नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 8C वर्सेस Xiaomi Redmi 11 Prime का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Spark 8C में 6.48 इंच जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है जो कि Spark 8C से कम है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Spark 8C में 193 ग्राम जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 201 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि Spark 8C से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Spark 8C में 6.6 इंचेस जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Spark 8C में 720x1612 और Xiaomi Redmi 11 Prime में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Spark 8C में 84.12% जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Spark 8C में 267 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Spark 8C में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Xiaomi Redmi 11 Prime की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Spark 8C में Mali G57 MP1 जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Spark 8C में Unisoc T606 और Xiaomi Redmi 11 Prime में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो Spark 8C में 3GB की RAM मिलती है जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Spark 8C में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Spark 8C में अप टू 256GB जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Spark 8C में Android V11 जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Spark 8C में 4 कलर्स जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Spark 8C में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,499 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Xiaomi Redmi 11 Prime की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹12,999, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ
₹14,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क 8C में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Xiaomi Redmi 11 Prime की तो उसमें 6 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Xiaomi Redmi 11 Prime आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Xiaomi Redmi 11 Prime आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 9 है, दूसरा वीवो T144W है, तीसरा पोको M4 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11 SE है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।